स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू आर यूट्यूब चैनल कैट कैम सॉल्यूशंस। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर सॉल्टवर्क्स के अंदर मैं एक बनाने वाला हूँ ये पार्ट। ये एक मशीन का पार्ट है जो कि इसमें हम लोग बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से बनेगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दूसरा, ये ट्यूटोरियल ट्राई करने से पहले एक बार दो बार ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बना किस तरीके से। एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है ना, पर एक अच्छा ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत काम आएगा। कम से कम इसको 2 से 3 बार बनाएं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसके मैं आपको व्यू समझा देता हूँ। ये वाला व्यू कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो आप व्यू देख रहे हैं, ये वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये वाला व्यू है। अब ये वाला मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ कौन सा व्यू है। जब इस मॉडल को मैंने ऐसे कर दिया तो ये आपको ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये नीचे से आपको दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ डायमेंशन इसमें मिसिंग है जो कि हम एज्यूम कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सेक्शन व्यू है तो इसका मैं आपका सेक्शन भी दिखा देता हूँ। और ओके, और इसको नॉर्मल करते हैं। ये आपका सेक्शन व्यू है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सारा अंदर का जो भी पोर्शन कटा हुआ है ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हम इसमें बनाएंगे। और अगर किसी को कुछ और तरीका आता है, कोई मुझे कुछ आइडिया, हमें कोई आइडिया देना चाहता है कि किस तरीके से और ये बन सकता है, तो आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि नेट से उठाया हुआ एक पार्ट है, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग अपने आप इसको एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे ना सोचे कि इसमें कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है तो हम इसको ना बनाएं, क्योंकि जो कंपनी के पार्ट होते हैं, जो एक्यूरेट पार्ट होते हैं, वो कंपनियां शेयर नहीं करती, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से इसको करते हैं कट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिएगा या तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं, आधा सेक्शन बना लेते हैं, इसी पार्ट को जूम कर लेता हूँ। ये आधा पार्ट बना के इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ से फ्रंट प्लेन लिया और इसके ऊपर करेंगे हम लोग स्केच, ठीक है। स्केच किया और एक सेंटर लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ मिड वाली, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेक्शन में और फॉर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और ओके, अब ये वाला पार्ट बना लेते हैं इसका, यहाँ से इस तरीके से ये कुछ ऐसे बना दिया। 108 इसका डायमीटर है, तो 108 का आधा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, 108 डिवाइड बाय 2। इसके बाद ये वाली कुछ हाइट है मेरे पास में थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कितना उठा हुआ है आपको सेक्शन में दिख जाएगा, 4 mm ये आपका उठा हुआ है, तो इसको कर देंगे हम लोग 4, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ और इसको इस तरीके से मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा नीचे तक। उसके बाद ये वाला जो डायमीटर रहेगा, ये डायमीटर अपने को दिया हुआ है 36 का, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 36 का आधा, 36 डिवाइड बाय 2। इसके बाद बारी आती है ये कितना उठा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस पॉइंट से दिखाया हुआ डायमेंशन नीचे से नहीं दिखाया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 29 है, 29 से ये 4.4 नीचे है, तो 29 में से मैं 4.4 को लेस कर दूँगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने गया इसको 29 - 4.4, ठीक है। और यहाँ से मैंने लिया इसको, हाइट दी मैंने 100, तो इसको मैंने डाला 100, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डाल दिया, एग्ज़िट किया, और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से हम लोग करते हैं रिवॉल्व। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये जो आपको सेक्शन व्यू दिया हुआ है आप इसी से बना सकते थे। हाँ, आप इसी से इससे भी बना सकते हो कि एक ही बार में आधा सेक्शन बनाकर आप रिवॉल्व करा सकते हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो, अगर आप केपेबल हो, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई। तो यहाँ तक हमने इसको बना दिया। अब रिवॉल्व करने के बाद मैं इसका एक सेक्शन व्यू बनाऊँगा, ठीक है ना। इसके एक सेक्शन व्यू हम लोग बना लेते हैं। तो सेक्शन के लिए यही वाला पार्ट मैं बनाऊँगा और इसको हम लोग रिवॉल्व कट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से फ्रंट प्लेन ही लेता हूँ और इसे कर देंगे नॉर्मल। अब नॉर्मल करने के बाद यहाँ से हम इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से और ये इस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको,
और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम डायमेंशंस हैं, तो कोशिश करें कि ये जब हम बना रहे हों तो ऐसे ये लॉक ना हो कहीं पे, है ना, क्योंकि अगर ये लॉक हो जाएगा ना तो फिर डायमेंशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और ये वाले पॉइंट से 85 डायमीटर है ये, ठीक है, तो इसको कर देंगे 85 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है, देखो अभी है ना इसकी थिकनेस नहीं है मेरे पास, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही, अगर आपको नज़र आए तो आप डाल लेना, फ़िलहाल इसका तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको लगभग ऐसे ही 5 के अराउंड इसको छोड़ देता हूँ। पर ये डिग्री में आ रहा है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और इसको पैरेलल कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करना कंट्रोल की प्रेस करके, और ये लाइन जो सिलेक्ट करी है इसको करना और पैरेलल कंस्ट्रेंट कर देना, तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल करने के बाद कुछ इसको डायमेंशन करते हैं, डायमेंशन क्या कहता है, 36 है डायमीटर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 36 डिवाइड बाय कर देंगे 2। 2 करने के बाद अब ये देखो हाइट है मेरे पास में 12, तो ये हाइट होगी पूरे नीचे से हम लोग इसको कर देंगे 12, ठीक है, 12 कर दिया। और ये 20 है तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बना लेते हैं, अब यहाँ से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आएगा और ये जाएगा पूरा ऊपर। अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं, यहाँ से चलेंगे हम लोग और ये है हमारे पास 24 है बीच में से, है ना, तो यानी कि सेंटर पॉइंट से और यहाँ तक अपने को चाहिए 12, ठीक है ना, और ये हो गया 12, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही अपना हो जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ से ये खुद 30 mm की लेंथ का है तो इसको करते हैं 30, और ये 30 ही यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से ये वाला पार्ट भी हमारे पास में 30 का है, ठीक है, 30 का अब हो गया हमारे पास में। ये 30 का होने के बाद अब प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम लोग एक काम भी ये कर लेते हैं, 18 mm ये हाइट है यहाँ से, 18 mm ये हो गया हमारे पास। मैं ये जो पैरेलल था इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी एक ये हाइट भी डालनी है 18, यानी कि इस पॉइंट से और यहाँ तक भी मेरे पास 18 की हाइट है, ठीक है, 18 की हाइट है। और देखो यहाँ पर एक फिलेट भी है, अब ये फिलेट कितना है हमें यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है, ये रेडियस 2 ही है मेरे ख्याल से हर जगह में, क्योंकि मैंने जब ये पहले बनाया था तो ये कहीं पे गिवन नहीं था, बाकी तो ये 18 ही है। और इसको हम लोग 2 कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग फ़िलेट में चलते हैं और यहाँ से जितने भी फ़िलेट लगेंगे सब 2 के ही होंगे, ठीक है, और इसको कर दिया हमने ओके, तो हमारे पास लगभग लगभग ये रेडी हो गया। और अब इसको हम लोग कर देंगे रिवॉल्व कट, ठीक है ना, और यहाँ से करते हैं फिनिश और एक सेंटर लाइन भी डाल देते हैं जिससे कि हमें रिवॉल्व कट करने में इसको आसानी रहे। तो यहाँ से होंगे हम लोग एग्ज़िट, ठीक है ना, एग्ज़िट होने के बाद यहाँ से लेंगे रिवॉल्व कट, और रिवॉल्व कट के लिए यहाँ से करेंगे इसको आराम से रिवॉल्व कट और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ से है ना रिवॉल्व कट हो चुका है, ये अंदर से पूरा कट गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ये पूरा रेक्टेंगल वाला पोर्शन इसके अंदर बनेगा। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी अपने पास 85, यानी कि नीचे से ऊपर 85 mm हमें जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। तो प्लेन जनरेट करने के लिए प्लेन लेंगे और राउंड है कहीं किसी भी साइड आप ले लीजिए, यहाँ से इस पर क्लिक किया मैंने और डाला मैंने इस पर 85 डालने के बाद मैंने कर दिया डायरेक्शन को फ्लिप, फ्लिप डायरेक्शन करने के बाद इस पर किया मैंने क्लिक और यहाँ से किया मैंने स्केच, और इसको एक बार और क्लिक कर देना दूसरी साइड से आ जाएगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा अपने को, और प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि बनाने में मेरे को दिक्कत ना हो,
चलो अभी हाइट नहीं करते, बाद में कर देंगे। तो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ये है अपने पास में 86 mm। तो यहाँ से चलते स्मार्ट डायमेंशन में, इसको डालेंगे 86 mm, और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट, इसको सेंटर में लाने के लिए 86 / 2 करना पड़ेगा। अभी इसकी जो मोटाई है वो है 12 mm की, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप व्यू में। तो ये हम कर देंगे यहाँ पे 12 mm, ठीक है। अब कैसे है एक बार पूरा बनाने के बाद आपको समझा दूँगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये 116 mm है नीचे से, और इसको हम लोग कितना लेंगे सेंटर से, 54.5 mm है ना। तो यहाँ से डालेंगे 54.5 mm है ना, ये वाला मैंने इस पे डाल दिया। अब डालने के बाद आपको ये ऊपर वाला पार्ट भी बना लो हाथों हाथ, इससे हमें आसानी रहेगी। तो कन्वर्ट एंटिटी लेना, और ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे स्केच में। और यहाँ से एक लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ कहीं क्लिक करना और इसको सीधा यहाँ पे मैच कर देना, ऐसे ही इसके साथ करना। यहाँ से लाइन कमांड लेना दोबारा से, इस पॉइंट पे क्लिक करना और यहाँ पर मैच कर देना। इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया और ये वर्टिकल, क्लिक किया और ये वर्टिकल, ठीक है ना। कंट्रोल दबाया, ये वाला और ये वाला टेंजेंट ट्रिम, ये ट्रिम किया और यहाँ से एग्ज़िट, एक्सट्रूड, और ये वाला एक्सट्रूड। यहाँ से चलते हैं अप टू नेक्स्ट, ठीक है ना। अप टू सरफेस कर दीजिए, इसको कर देते हैं अप टू, अप टू सरफेस कर लेते हैं, और ये यहाँ तक कर देता हूँ इसको मैं, पूरा नीचे तक है ये, ठीक है। चलिए अब बचता है थोड़ा सा पार्ट, और फिर से एक्सट्रूड लेते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 6 mm की है, ठीक है ना। ये 6 mm का थिकनेस है, क्योंकि साइड में दिखाई दे रहा है ना मेरे को, यहाँ से आप देखेंगे तो ये टॉप व्यू है इसका। तो ये लगभग 6 mm का मैं इसको रख लेता हूँ एक्सट्रूड, है ना। तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और फिर से ये जो मैंने स्केच बनाया है इस पर क्लिक करना और लेना एक्सट्रूड, और इसको कर देना 6 mm। तो ये हो जाएगा आपका 6 mm का, और इसको कर देना ओके। अभी बीच वाला पार्ट मेरे को बनाना है, जो कि एक तरीके से रिब है। अब इस रिब को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन करना पड़ेगा हाइड, और इसके लिए आपको एक ये वाला प्लेन लेना पड़ेगा फ्रंट वाला, ठीक है ना। इससे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से एक लेना पड़ेगा आपको कन्वर्ट एंटिटी, कन्वर्ट एंटिटी टू कन्वर्ट द एज इंटू स्केच, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे सर स्केच, फ्रंट प्लेन पर स्केच करेंगे, और कन्वर्ट एंटिटी लिया, ये वाले पार्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया, और इसको किया मैंने एग्ज़िट। अब एग्ज़िट करने के बाद मैं लूँगा यहाँ पे रिब, रिब कमांड जैसे ही लूँगा डायरेक्शन होनी चाहिए फ्लिप, और ये आपका है 6 mm की इसकी थिकनेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिब की। तो यहाँ पे 10 की जगह हम कर देंगे 6, और इसको कर देंगे ओके। तो ये पूरा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये बनने के बाद आपको चाहिए फिर से एक सर्कल, जो कि है आपका 94 डायमीटर का। इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग हमारे पास इस टाइम पे नहीं है, तो इसको मैं डायमेंशन कर ले इसको बना लेता हूँ। यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये लगभग आपका 12 mm का हाइट पर है, ठीक है ना। जो ये वाले होल है ये इसका सेक्शन व्यू है, तो जो आपके ये वाले जो पोर्शन उठे हुए हैं ये आपका 12 है, ठीक है ना। 12 mm आपके ये उठा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 mm पे प्लेन जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से आप चलेंगे और प्लेन लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 12 और इसको कर देंगे फ्लिप डायरेक्शन। तो फ्लिप डायरेक्शन करते ही हो जाएगा ओके, ठीक है। इसी प्लेन के ऊपर स्केच करना पड़ेगा, कंपलसरी है। एक बार और क्लिक करो दूसरी साइड से आ जाएगा। फिर सेंटर से एक और सर्कल लेंगे, और ये सर्कल बैठेगा 94 डायामीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ से डालेंगे 94 mm का सर्कल। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर मेरे पास कोई एंगल नहीं है, पर ये जहाँ तक मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि 90 डिग्री के आसपास है, ठीक है ना। ये है लगभग 90 90 के आसपास के हैं ये, या फिर ये है लगभग हमारे 45,
30 30 कुछ 30 डिग्री के आसपास है अभी ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको अब मैं डायमेंशन कर लूँगा। तो ये लगभग 45 के आसपास का ही है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमें गिवन नहीं है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ अपने हिसाब से जो भी मेरे को लगता है। अब यहाँ पे रेडियस 6 है बड़ा वाला, तो यहाँ से चलेंगे 6 रेडियस है, तो यानी कि हो जाएगा अपने पास 12 डायमीटर का। इसके अंदर में होल भी है, तो होल भी हम लोग, चलो होल साथ ही बना लेते हैं, बाद में इसको कट कर देंगे। और ये होल है अपने पास 5 डायमीटर का, तो यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग 5। और ये भी देखो हमारे पास पूरा नहीं है कि कितना है ये, इसकी हाइट कितनी है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करके इसको पैरेलल बना देते। पैरेलल के लिए क्या होगा, कंट्रोल की प्रेस करना और दोनों कर लेना सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देना पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गया। और एक आपको चाहिए मिरर, तो ये लाइन मिरर करनी है, मिरर अबाउट इस वाले लाइन के मिरर आना चाहिए। और यहाँ से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी, इसको रखते हैं 12, और 12 के आसपास मेरे को, या फिर 10 के आसपास ही मेरे को लग रहा है। और इसको मैं ट्रिम करता हूँ, ये वाला पार्ट ट्रिम कर देते हैं। और इसको थोड़ा ज़ूम करेंगे, ये वाला पार्ट भी आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से ज़ूम करके कर देना, ठीक है। एक बार इसको बना लेते हैं, बाद में इसको 3D पैटर्न हम लोग कर देंगे। और ये जो मैंने सर्कल बनाया था, इसको कन्वर्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में, ताकि हमारा ड्राइंग में इंटरफेयर ना करे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन चुका है। बनने के बाद अब मेरे को करना है एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे हम लोग अप टू नेक्स्ट। और अप टू नेक्स्ट ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ थिन फीचर में, सॉरी थिन फीचर नहीं, सेलेक्टेड कॉन्टूर में जाता हूँ। और यहाँ पर मैं ये सेंटर वाला पोर्शन भी कर देता हूँ सेलेक्ट, क्योंकि मेरे को अभी यही चाहिए, मेरे को होल अभी नहीं चाहिए, ठीक है। होल मेरे को पूरा काटना है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसके फिर से स्केच पे क्लिक करूँगा, तो ये होल फिर से दिखेगा। इस बार लूँगा एक्सट्रूड कट, तो फ़ायदा ये होगा दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ये वाले स्केच को मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं कर दूंगा रिवर्स, और इसको पूरा नीचे की तरफ में मूव करके इसको करते हैं ओके, ठीक है। और ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है, सर्कल सर्कल बन गया। और इसके बाद राइट क्लिक करके इसको कर देना हाइड, और हाइड करने के बाद मेरे को करने हैं पैटर्न। तो पैटर्न करने के लिए क्या करना होगा, एक तो ये कट स्केच बॉस, ये तीनों सेलेक्ट कर लेना, नीचे वाले जाना सर्कुलर पैटर्न पे। सर्कुलर पैटर्न पे जाने के बाद पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये जो राउंड वाला पार्ट है ये रहेगा। यहाँ पर हम लोग डालेंगे 360 डिग्री इक्वल स्पेसिंग, और यहाँ पे 4 इंस्टेंस है, और यहाँ पे कर देंगे ओके, आपके पैटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका रहेगा कि नीचे वाला पार्ट है, इसको बना लेते हैं। और ये रहेगा आपका लगभग लगभग 4 mm की थिकनेस रहेगी, ये वही पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए यहाँ पे चलते हैं, स्केच करेंगे और इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से चलते हैं कन्वर्ट एंटिटीज़ पे, और इसको करेंगे ओके। और यहाँ से मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लो या फिर कुछ लाइन से ड्रॉ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसी इसी तरीके से बनाएं, कुछ भी अलग जो भी आपको दिमाग में आ रहा है आप उस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो जैसा आपको समझ में आए पहले आप वैसा बना के देख लीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है देन आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इसको और कम स्टेप्स में बना दें, ठीक है ना।
तो 62 ये हो गया मेरे पास, और यहाँ से 62 के बाद मेरे पास हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और यहाँ से इसको कर दिया मैंने ओके। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना फालतू, क्योंकि ट्रिम भी करना पड़ेगा। चलिए ये मैंने बना दिया, और इसको मैंने कर दिया ट्रिम, ये वाला पार्ट और ये बाहर का स्केच मैंने दोनों साइड से ट्रिम कर दिया, फिनिश किया। और इसको किया मैंने एक्सट्रूड 4 mm का, ठीक है ना, और यहाँ से जाने एक्सट्रूड कर देना इसको 4 mm का, और रिवर्स कर देना इसकी डायरेक्शन, ठीक है, और इसको कर देंगे आप ओके। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ बचती है आपके पास में, आपको ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट जो आगे की तरफ निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन है। अब इसको हम लोग देखते हैं ये किस हिसाब से बना हुआ है, देन उसके बाद हम इसको आगे की तरफ बनाएंगे। पहले तो ये ऊपर है 29 mm, और आप देख सकते हो कि यानी 4 mm आगे निकला हुआ है, तो सेंटर से यहाँ तक तो 36 का आधा 18 ही हो गया, है ना, 18 हो गया, 36 का हाफ 18 में आप 4 को ऐड कर लीजिए, 18 19 20 21 22 लगभग 22 mm आगे बैठेगा सेंटर प्लेन से। तो ये वाला टॉप प्लेन आ रहा है मेरे को यहाँ पर, तो इसको मैं करता हूँ शो, और कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, और प्लेन के ऊपर लेफ्ट क्लिक आपको दबाना है और दबाए रखना है, क्लिक नहीं करना, दबाए रखना है, और ऊपर की तरफ मूव कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा प्लस 4, तो ये आपको हो जाएगा 22 और ओके, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से चलते हैं इस प्लेन के ऊपर, करेंगे हम लोग स्केच, और इसको करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद अब कौन सा पार्ट बनाना है, अब यहाँ से ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। रेडियस 5 है, तो 5 का डायमीटर हो जाएगा 10, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा 29, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से ये हो जाएगा 29, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, ताकि सेंटर में आ जाए। और इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। और ये मैंने ऐसा बना दिया, इसको हम लोग इसकी लेंथ रखेंगे। देखो लेंथ यहाँ पे गिवन है नहीं, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये भी ट्रिम कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कुछ हाइट दे देते हैं, 10 के आसपास या 6 के आसपास कुछ हाइट दे दो इसको। और ये वाला जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैक हो गया पार्ट, ये देख सकते हो कुछ इसमें इस तरीके का है। चलिए एग्ज़िट करते हैं, बनाते हैं, फिर एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करेंगे हम लोग रिवर्स, और एक्सट्रूड है ना मेरे को पूरा करना है, तो मैं यहाँ से ये जो स्केच काउंटर है इसमें मैं इसको भी ले लेता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ, दोनों पे क्लिक कर देता हूँ, और इसको कर दूंगा मैं अप टू नेक्स्ट, ठीक है ना, और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ से थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा और नीचे की साइड में जाएगा और ये हाइड हो जाएगा बॉडी के साथ, तो इसको मैं 6 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 7, ठीक है, और इसको ओके करते हैं और देखते हैं 7 पूरा हो गया, ठीक है ना, ये पूरा इसके अंदर आपका आ चुका है। अब आपने आप कहोगे सर फिर वो सर्किल क्यों बनाया था, तो सर्किल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं उसको अब एक्सट्रूड कट कर सकूं। तो ऐसे एक्सट्रूड कट लेंगे, और ये जो काउंटर सेलेक्ट हो गया है अपने पास, इसको पहले करेंगे डिलीट, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग कर देना, मिड तक इसको ले आना, क्योंकि ये पूरा नहीं कटा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ तक कटा हुआ है, पूरा नहीं कटा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पोर्शन बन जाएगा। इसको कर दिया मैंने हाइड, और इसको भी कर दिया मैंने हाइड, सॉरी ये तो हाइड नहीं हुआ है, ये 6 mm का एक होल है, तो मैं इसको एक जो प्लेन था वो मैं उसको वापस ले आता हूँ, जो मैंने प्लेन बनाया था इसको शो कर देता हूँ। अब इसी के ऊपर एक और मैं स्केच कर लेता हूँ,
ठीक है ना। और यहाँ पर एक सर्कल होल से भी कर सकते हो, होल कमांड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये होल से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बीच में क्या हाइट है, 16 mm नीचे है यहाँ से। और इसको प्रॉपर वर्टिकल में ले आते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टली, ब्लैक हो जाएगा। ये भी इसको काट रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। एक्सट्रूड कट कमांड यहाँ से उठाएंगे और इसको मिड में ले आएंगे और इसको ओके कर देंगे, ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। आपका लगभग लगभग सारा पार्ट तैयार हो गया। अब ये वाला पार्ट अब इसके अंदर अपने को बनाना है, तो ये वाला फेस अपने को चाहिए। और यहाँ से अपने को इसे करना पड़ेगा नॉर्मल, और यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 22 डायमीटर का है, यहीं कहीं मैं बना देता हूँ। और एक और सर्कल इसके साथ इसको ही बना देता हूँ। अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं, चौकी 22 डायमीटर है तो इसको 22 दे देते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर तक ये 62 mm का इसका गैप होगा, तो यहाँ से हम लोग डालेंगे 62, ठीक है ना। अब ये अंदर कितना है ये हमें देखना पड़ेगा, ये है अंदर 60, तो यानी कि सेंटर से अपने को चाहिए 30, ठीक है, 30 हो गया। अंदर वाला 9 डायमीटर का सर्कल है, तो इसको 9 कर देना ज़रूरी है। चलिए ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ ले आता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब देखते हैं प्रॉपर इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ तो जा नहीं रहा है ना, तो अब इसको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको डायमेंशन करके देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाए। ये 24 है, इसको 26 कर देते हैं, 26 की जगह इसको करते हैं 28, तो मेरे ख्याल से 28 चल जाना चाहिए, 29 कर दो और, ठीक है ना। और यहाँ से 29 करने के बाद ट्रिम कमांड लेना हो, इसको करना ट्रिम और इसको कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, सेलेक्ट, और ये वाला स्केच हमारा रेडी हो गया। अब इसको है ना मिरर करना है, इसको नॉर्मल करते हैं और इसको हाथों हाथ मिरर कर देते हैं सेंटर लाइन से, और एक साथ ही एक्सट्रूड कर देंगे, हमारा दोनों काम हो जाएंगे। मिरर कमांड लेंगे यहाँ से, दोनों को कर देंगे सेलेक्ट, और ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मिरर अबाउट होगा अपना इस पॉइंट से, और इसको कर देंगे नॉर्मल। एक चीज़ रह गई, देखो ये मिरर नहीं हो पाया ठीक से, है ना, कोई बात नहीं, अंडू करेंगे, दोबारा से मिरर करेंगे। मिरर कमांड लेंगे, मिरर क्या करना है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, और ये सर्कल, और ये मिरर अबाउट करेंगे। और ये 6 mm का एक्सट्रूड है, ठीक है ना, तो फीचर में चलते हैं, इसको करेंगे हम लोग 6 mm का एक्सट्रूड। और ये सर्कल भी चाहिए मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये सर्कल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये भी मेरे सा इसके साथ ही एक्सट्रूड हो जाएगा, है ना, तो ये पूरा एक पार्ट दिखेगा। तो इसको 6 mm किया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। और अब इसके जो सर्कल थे उनको भी ले लेते हैं साथ में, यहाँ से चलते हैं, इस पर करते हैं क्लिक, और इनको लेंगे एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट में सेलेक्ट काउंटर में जाके जो पहले से सेलेक्ट हो गया इसको कर देंगे हम लोग क्लियर। और क्लियर करने के बाद हमें सिर्फ ये होल सेलेक्ट करना है, ठीक है। होल पे क्लिक कर लेना, होल पे क्लिक कर लेना, नीचे की तरफ इनको पूरा कट कर देना, ठीक है, तो आपके ये कट जाएंगे, ठीक है। इसके कटने के बाद ये ऊपर तो कटे ही नहीं, तो वापस से चलते हैं एक्सट्रूड कट में जाएंगे, और ये जो नीचे की तरफ आपके आए हैं इनको ऊपर की तरफ भी कर देना, ठीक है ना, ये कट जाएंगे पूरे, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा। अब इसके पीछे देखो आपको एक ये होल भी बनाना है जो आपको ये काटना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस फेस पे आप होल कर लीजिए, होल कमांड से भी हो जाएगा। यहाँ से सर्कल लेते हैं और इसको पहले अच्छे से बना लेते हैं, और ये 15 डायमीटर का सर्कल है यहाँ पे,
15 डायमीटर का सर्कल है और यहाँ से कितनी दूरी पे है, 22 mm की दूरी पे, और नीचे से कितने की दूरी पे है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपका रहेगा 47 की डिस्टेंस पे। 47 की डिस्टेंस पे एग्ज़िट कर लेना और इसको कर देना एक्सट्रूड कट, और ये ओके हो जाएगा, ये आपका बन गया। चलिए अब देखो इसके पीछे है ना कि रेक्टेंगल कटा हुआ है, साइड व्यू है और टॉप व्यू है, डॉटेड डॉटेड में आपको जो दिख रहा है ना पीछे का सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल कटा हुआ है जिसकी हाइट 74 और ये वाली हाइट है 73, ठीक है ना। तो इस फेस के पीछे स्केच कर लेना और इसे करना नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से आप इसका एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये वाला पार्ट आपका रहेगा 73 और ये वाला पार्ट रहेगा 74। यहाँ से 74 डिवाइड बाय 2 और इसको है ना हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड कर लेते हैं और ये थोड़ा सा 6 का गैप है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई फिलेट है पर इसको कर लेंगे हम लोग। ये यहाँ से राउंड है तो ये 2 का ही फिलेट है और इसको मैं एडिट करके यहाँ पे फिलेट भी लगा देता हूँ हाथों हाथ, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा अपना। यहाँ से ये वाला पार्ट इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट होने के बाद इसको कर देंगे हम लोग कट। कितना mm डीप में कटा हुआ है ये, 6 mm डीप में कटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालेंगे 6 mm और इसको ओके कर देंगे। ये अपना हो चुका है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग हमारा सारा काम रेडी हो चुका है, कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। अब इसमें सिर्फ हमारा एक ही काम बचता है जो कि है फिलेट करना, ठीक है ना। तो इसको फिलेट लगा देते हैं। पहले प्लेन को हम लोग हाइट कर लेते हैं, इसको कर देंगे हाइट, और अब इसके ऊपर मैं इसको ज़ूम करता हूँ और यहाँ पर मैं फ़िलेट लगा देता हूँ। यहाँ से आप लेंगे फ़िलेट। आप फ़िलेट लेने के बाद पहले यहाँ पर फ़िलेट कर लेते हैं, एक ये वाला पार्ट फ़िलेट है, इसको आप लोग करेंगे 2 mm, और एक ये वाला पार्ट आपका फ़िलेट है, ठीक है। एक ये एज आपकी फ़िलेट है और एक ये एज आपकी फ़िलेट है, और इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये फ़िलेट है। हाँ ये फ़िलेट है मेरे हिसाब से, तो इसको ओके करेंगे। अब इसको ओके करने का, राउंड करने का फ़ायदा ये हुआ है, हाँ ये फिलेट है। और यहाँ से अब जब मैं दोबारा फिलेट लूँगा और 2 रखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा इसको फिलेट कर देगा, और इसको ओके करेंगे, फिलेट हो गया। इसको क्लियर करते हैं, 2 mm है, नीचे वाले पार्ट को फिलेट करते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा से फ़िलेट लेते हैं, इस वाले पार्ट को फ़िलेट करते हैं, और मे बी ये फ़िलेट ना हो। तो यहाँ टेंजेंट प्रोपगेशन हम हटा देते हैं, तो टेंजेंट प्रोपगेशन के हटने के बाद ये फ़िलेट हो सकता है, ये फ़िलेट, ये वाला पार्ट भी फ़िलेट, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ से चलते हैं, फ्लेट लेते हैं और ये वाला पार्ट फ्लेट करेंगे और एक ये वाला पार्ट फ्लेट करता हूँ और इसको यहाँ से ये फ्लेट करते हैं और ये वाला, ठीक है ओके। इसके बाद फ़िलेट लेंगे और फ़िलेट लेने के बाद ये वाला और ये वाला फ़िलेट कर देते हैं दोनों को, है ना। 2 2 mm का फ़िलेट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से फ़िलेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बार का है फिर बाद में इसको हम लोग फ़िलेट कर देंगे। यहाँ से चलते हैं और ये वाला पार्ट फ़िलेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका फ़िलेट हो जाएगा। क्लोज, ये फ़िलेट नहीं हो रहा है अभी, चेक करना पड़ेगा किस लिए फ़िलेट नहीं हो रहा है। ये शायद ये एज फ़िलेट हो जाए तो इसकी वजह से हो जाए फ़िलेट, ओके। अब मे भी ये फ़िलेट हो सकता है इजीली, दोबारा से फ़िलेट लेते हैं।
ये वाला, इसको हम लोग, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे फिलेट किया है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये वाला भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको हम लोग फिर लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे फ़िलेट करके। फ़िलहाल जो फ़िलेट हो सकते हैं पहले उनको फ़िलेट कर देते हैं, जैसे कि अंदर वाला पार्ट। और यहाँ से चलते हैं हम लोग, फिर से फ़िलेट लेते हैं यहाँ पर, ये वाला जो जॉइंट है और ये वाला जो जॉइंट है इसको करते हैं फ़िलेट। डिलीट, और इसको ये वाला पार्ट, और इसको ओके करते हैं। ठीक है, ये वाला दिया, और फिर से फ़िलेट लेते हैं, और इस बार इस एज पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा यहाँ तक फ़िलेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं ये पूरा फ़िलेट हो गया, और यहाँ पर क्लिक करते हैं पूरा फ़िलेट हो गया। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है इस वाले पार्ट की। यहाँ पर फ़िलेट लेते हैं, ये वाला पार्ट फ़िलेट होना चाहिए, ये वाला पार्ट फ़िलेट होना चाहिए, ये वाली एज और ये वाली एज। ठीक है, ये और ये वाला पार्ट यहाँ पे फ़िलेट होना चाहिए। अब इसके बाद जब आप दोबारा फ़िलेट लोगे और तो ये क्या करेगा कि एक ही बार में इन सबको फ़िलेट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ से फ़िलेट हो गया, ये यहाँ से फ़िलेट हो गया, ये पूरा फ़िलेट हो गया, और ये पूरा अपना फ़िलेट हो ही गया है। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। यहाँ से ये फ़िलेट हो गया, और इसके बाद यहाँ से फ़िलेट लेते हैं फिर से, ये वाला पार्ट फ़िलेट, यहाँ से इसको करते हैं कट, फ़िलेट लेते हैं एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है ना, इसको मैंने कर दिया ओके। अब मैं जब फ़िलेट लूँगा तो ये पूरा एकदम से फ़िलेट हो जाएगा। ठीक है, और इस सेम यहाँ से भी फ़िलेट हो जाएगा। ये यहाँ से नहीं करना मेरे को, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, एक काम करते हैं हम लोग पहले अपना फाइव वाला फ़िलेट कर देते हैं, क्योंकि ये वाले जो राउंड है ये फाइव के हैं। ये वाला तो प्रॉब्लम करेगा, ये वाला फ़िलेट। इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फ़िलेट प्रॉब्लम करेगा। यस, इसको बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले फ़िलेट लिया, और इसको फाइव फाइव के जो हमारे पास हैं पहले उसको हम कर देते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये फ़िलेट हो जाएगा, और इसको ओके। ठीक है, अब इसके बाद आप आराम से फ़िलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दो, और ये पूरा फ़िलेट, और ये एक बार में पूरा फ़िलेट। ठीक है, और नीचे वाला भी फ़िलेट हो जाएगा पूरा, इसको कर देंगे हम लोग ओके। और यहाँ पर भी हमें फ़िलेट चाहिए, और तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ये वाला फ़िलेट चाहिए, ये वाला फ़िलेट चाहिए, ये वाला फ़िलेट चाहिए, ओके। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से स्वीप, ये फ़िलेट लिया और इसको फ़िलेट किया, और ओके। ठीक है, ये भी पूरा फ़िलेट हो गया। अब ये वाले पार्ट हैं ये फ़िलेट करने हैं, ये पूरा फ़िलेट है, ये पूरा फ़िलेट है ऊपर से, नहीं ये ऊपर से फ़िलेट नहीं है, तो दूसरी एज को डिलीट करते हैं। ये खाली नीचे नीचे से फ़िलेट है। ठीक है, और ये वाला फ़िलेट, ये वाला फ़िलेट और ये वाला फ़िलेट, ओके। कोई बात नहीं, एक बार फिर से लेते हैं यहाँ से इसको टू और ओके। दोबारा से फ़िलेट लेंगे यहाँ से, यहाँ से टू और ओके, यहाँ से लिया, यहाँ से इसको टू और इसको ओके। अगर आपके सिस्टम में एक ही बार में हो रहा है तो इसको एक ही बार में कर देना, तो इतने सारे स्टेप्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें देखो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर फ़िलेट होने में दिक्कत आ रही है।
यहाँ से फिलेट लेते हैं और यहाँ फिलेट करते हैं इसको, इसको करते हैं टेंजेंट को मैं हटा देता हूँ। ओके आई गेस जो ये वाला हमने फिलेट किया था ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर एक बार देखता हूँ कि ये हो पाएगा कि नहीं, अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फिलेट का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे बस प्रॉब्लम करेगी और ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना, और तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से आप इसको फिलेट कर लेना, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम करती हैं। और ओके तो लगभग लगभग हमारा ये सारा फिलेट हो चुका है, कुछ भी इसमें नहीं बचा सिवाय इसके। अब इसको भी एक बार देखते हैं ट्राई करने का, फिलेट फिलेट हो जाए तो अच्छा ही है, पर मुझे ये फिलेट होता हुआ दिख नहीं रहा। नहीं, ये वाला फ्लैट नहीं हो रहा है, ये फ्लैट हो रहा है 2 mm। शो पार्शियल सर्कुलर सेटबैक पैरामीटर्स और फ्लैट ऑप्शंस में चलते हैं, राउंड कॉर्नर्स सेलेक्ट थ्रू फेसेस ओवरफ्लो टाइप डिफॉल्ट की पेजेस। एक बार देखते हैं फिर से अगर होता है तो। और इसको ओके करते हैं। ये भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो अब इसको हम एक काम करते हैं, ये नीचे वाला पार्ट ही हम लोग फिलेट कर देते हैं और ये वाला पार्ट हम लोग रहने देते हैं क्योंकि सारा बॉडी फिलेट की हुई है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ ओके और फिलेट लेते हैं एक ये वाला पार्ट। ये भी नहीं आ रहा, यहाँ से लेते हैं फिलेट, ये वाला पार्ट लेता हूँ फिलेट के लिए और एक ये वाला पार्ट ले लेता हूँ फ्लेट के लिए, ये भी फ्लेट कर देते हैं और इसे भी फ्लेट कर देते हैं और ये कर देते हैं ओके। तो गाइस ये हमारा बन गया है लगभग लगभग। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट प्रोपगेशन को हटा देता हूँ मैं। क्लोज। तो गाइस ये हमारा जो मॉडल है लगभग लगभग रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग कलर कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ से चलेंगे अपीयरेंस में और यहाँ से आप कोई कलर ले लीजिए। इसको करते हैं ओके और इसके और भी जा रहे बहुत जो इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से आप ये सब होल सेलेक्ट कर लीजिएगा वन बाय वन। थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इसमें अलग अलग जो शेप्स थी इनकी वजह से काफ़ी टाइम इसमें लगा है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले एक बार वीडियो आप अच्छे से देख लें, देखने के बाद इसको समझ लें, देन उसके बाद आप इसको ट्राई करें, ठीक है ना, उससे आपको बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। एंड अगर आपको किसी और तरीके से बनाना आता है, किसी और तरीके से आपने ट्राई किया है और आपसे बन गया है तो उसको हमारे चैनल तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके,
थैंक यू।